नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लव गुरु बाबा जी अजमेर वाले में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कागज़ पर नाम लिखकर वशीकरण कैसे करें। कागज़ पर नाम लिखकर वशीकरण करने का मंत्र और टोटका। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं किसी इंसान का कागज़ पर नाम लिखकर वशीकरण करना, दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कागज़ पर नाम लिखकर वशीकरण करने के बारे में जानना, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कागज़ पर किसी का नाम लिखकर अपने वश में कैसे करें, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको एक बड़ा ही कारगर तरीका बताया गया है। तो चलिए हम आपको कागज़ पर नाम लिखकर किए जाने वाले वशीकरण विद्या और टोटके और मंत्र के बारे में बताते हैं, जिसके प्रयोग से आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। हम आपको दोस्तों बता दें कि कागज़ पर नाम लिखकर आप किसी भी इंसान का वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, कागज़ पर नाम लिखकर आप वशीकरण कैसे कर सकते हैं और दोस्तों यह कैसे सिद्ध होता है? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी इंसान का वशीकरण करना, तो दोस्तों आपने क्या करना है, सफ़ेद कागज़, थोड़ा सिंदूर और पानी की जरूरत होगी। करना बस इतना है, थोड़ा सिंदूर और थोड़ा पानी मिलाकर घोल कर स्याही जैसा बना ले। फिर इसकी मदद से कागज़ पर उस इंसान का नाम लिखे जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। पर ध्यान दे, नाम लिखने के लिए किसी कलम का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि यहाँ आपको खुद का नाखून इस्तेमाल करना होगा, यानी कि नाखून काटकर उसकी मदद से आप नाम लिख सकते हैं। इस प्रयोग को शनिवार की रात को ही करें। नाम लिखने के वक्त बताए गए आपको मंत्र का जाप करना है, उसके उपरांत कागज़ और नाखून व कागज़ दोनों को जला देना है। उसके बाद जो राख बनकर तैयार होगी, इसका तिलक लगाकर आप जिसको अपने वश में करना चाहते हैं उसके सामने जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। वशीकरण मंत्र है दोस्तों, ओम क्लीम कृष्णाय, ये दोस्तों वशीकरण मंत्र है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं किसी इंसान को वश में करके उसे अपने अनुरूप काम करवाना और उससे मनचाहा प्यार पाना, तो आप कागज़ पर नाम लिखकर उस इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल हो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।